जेएमसी कमिश्नर द्वारा आज जम्मू में नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किए गए हैं, पर पहले सबसे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मैं पूछना चाहूँगा, कमिश्नर साहब से पूछना चाहूँगा कि कौन से ऐसे जोन हैं जहाँ पर हम पार्किंग कर सकते हैं। मैं आप सबको बता दूँ कि सड़कों को टैक्स तो हम लोग देते हैं, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा सड़कों पर येलो लाइन डिक्लेयर कर दी गई है, यानी कि अगर हम येलो लाइन के बाहर गाड़ी लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इलीगल है, लेकिन वही अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा येलो लाइन खींची जाए तो वो लीगली है। लेकिन इस वक्त ये लाइव मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वो मैं एरियाज बताना चाहता हूँ जिन्हें नोटिफाई किया गया है जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा कि अगर आपने अपनी गाड़ियाँ उन जगहों पर लगाई तो आपको भारी भरकम चालान देना होगा। तो इसीलिए ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि कौन से ऐसे जोन्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको अपनी गाड़ियां पार्क नहीं करनी। चलिए शुरुआत करते हैं। गणपति फूड जंक्शन जो कि गांधीनगर में है, उसके सामने आप अपनी गाड़ियों को नहीं लगा सकते। माफ कीजिए, ये ऑर्डर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो मैं आपको अच्छे से वो सभी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, केसी फूड जंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि गांधीनगर में है, वहाँ पर आप अपनी पार्किंग गाड़ी नहीं कर सकते। वहीं केसी थिएटर ऑपोजिट पार्किंग, जो केसी थिएटर के सामने की लेन है, वहाँ पर भी अपनी गाड़ियाँ पार्क नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त भी मैं एक येलो लाइन के नीचे ही खड़ा हूँ। फिलहाल तो मुझे कोई चालान नहीं किया जा रहा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में हमें येलो लाइन पर खड़ा होने पर भी चालान देना होगा। लेकिन चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको बाकी वाले जोन भी बताता हूँ। जैसे कि केसी थिएटर मैंने आपको बताया, उसके सामने आप पार्किंग नहीं कर सकते। अम्फला चौक में आप पार्किंग नहीं कर सकते, जो कि ऑटो स्टैंड है, आप सब लोग जानते हैं, वहाँ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते। डीसी ऑफिस के ऑपोजिट जो पार्किंग है, वहाँ पर आप नहीं कर सकते। बागे बहु टेम्पल रोड पर आप नहीं कर सकते, बाहू प्लाजा रोड पर आप नहीं कर सकते, और उसके साथ ही जो ईदगाह, वहाँ पर आप नहीं कर सकते। हरी सिंह स्कूल जो है, वहाँ पर आप नहीं कर सकते। ग्रेटर कैलाश, वहाँ पर आप अपनी पार्किंग नहीं कर सकते, यानी कि ग्रेटर कैलाश चौक में आप पार्किंग नहीं कर सकते। साथ ही साथ इंदिरा चौक की बात करें, वहाँ पर आप नहीं कर सकते। जुलाका मोहल्ला बोथ साइड नो पार्किंग जोन, जुलाका मोहल्ला के जो भी आमने और सामने पार्किंग है, वहाँ पर आप नहीं कर सकते अपनी गाड़ी को पार्क। कच्ची शोमनी में आप अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। सिटी स्क्योर मॉल, वहाँ पर अपनी पार्किंग नहीं कर सकते। गीता भवन परेड, वहाँ पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर परेड में सभी लोग जानते हैं कि येलो लाइंस लगाई गई हैं, इसीलिए रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो आप अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चालान भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, रेलवे स्टेशन टू मार्बल मार्केट बोथ साइड, वहाँ पर भी आप नहीं कर सकते। विकास नगर रोड टू टाली मोड़, आप वहाँ पर भी नहीं कर सकते। मेडिकल कॉलेज चौक टू अखनूर रोड, आप वहाँ पर भी नहीं कर सकते। यानी ये सारे वो जोन हैं जहाँ पर आप पार्किंग नहीं कर सकते। अब सवाल सीधा यहाँ पर ये है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ये ऑर्डर तो निकाला गया है, उन्होंने जो नो पार्किंग जोन है वो नोटिफाई कर दिए हैं, जम्मू की जनता को बता दिया है कि इन जगहों पर आप पार्किंग नहीं कर सकते। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर जिन जगहों पर हम लोग पार्किंग करते हैं वो कौन सी हैं? क्योंकि एक तरफ ट्रैफिक विभाग भी, हम अगर गाड़ी लगाते हैं किसी हॉस्पिटल के बाहर तो वहां पर भी हमें छूट नहीं दी जाती। अगर हम गाड़ी लगाते हैं किसी कैमिस्ट शॉप के बाहर, वहां पर भी हमें छूट नहीं दी जाती। तो आखिर हम लोग अपनी गाड़ियां पार्क कहां करें? और ये जो सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सीधा सवाल जनता से है, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। उनके द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है जिन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑर्डर जो निकाले जाते हैं हमें उन्हें मानना होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम लोग अपनी ही दिए हुई टैक्स का जो सड़कें हैं उन पर हम खुद हकदार नहीं रखते? ये बात तो बहुत अच्छी है, एक मानना पड़ेगा कि अगर ट्रैफिक लगती है, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जम्मू शहर में ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, अगर तो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को कम करने के लिए ये जोन्स डिक्लेयर किए गए हैं, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर आम जनता को हरास करने के लिए ये नोटिस निकाले जाते हैं तो ये बहुत गलत बात है। इसीलिए ये सवाल या निशान मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और जुड़े रहें जेएलके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।